तो मेन टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन है कि डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम 2021 का होगा या फिर नहीं होगा। तो इस डाउट को क्लियर करते हैं। बोर्ड एग्जाम तो होना है, बोर्ड एग्जाम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल स्टूडेंट्स के मन में है कि बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ये क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रसोरे में कौन था। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2021 की ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। सो सी द फुल वीडियो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं सुकांत एंड यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑनलाइन। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि रिसेंटली एक न्यूज पेपर में आया था कि जो बोर्ड एग्जाम है वो 45 डेज टू 60 डेज या फिर अगर देखा जाए 2 मंथ्स जो है बोर्ड एग्जाम वो डिले होगा, बाद में होगा, 2 महीना बाद में होगा। जैसे कि पहले फरवरी मार्च में होता था, अभी अप्रैल मई तक बोर्ड एग्जाम होगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम होगा क्या, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और सारे बोर्ड के बारे में बात करेंगे। आईसीएसई, सीबीएसई, अभी जो भी स्टेट बोर्ड्स है, वेस्ट बंगाल या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, ये डिस्कस करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ऑफलाइन होते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। सो फर्स्टली आता है ऑफलाइन एग्जामिनेशन अगर होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखा जाए, कोविड या फिर जो कोरोना सिचुएशन है, दिन ब दिन जो केसेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज करने का कोई नाम ले रहे नहीं है, तो यहां पे ऑफलाइन एग्जामिनेशन स्टूडेंट अपने घर से निकल के स्कूल में आके सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर में जाके एग्जाम देगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर सिचुएशन ऐसा ही कंटिन्यू करे तो ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, इसका कोई चांस नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए आईसीआईसीआई में फिर भी स्टूडेंट जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़ा सा कम है, 3 to 4 lakh स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 10 और 12 में अपीयर करते हैं। अगर देखा जाए सीबीएसई, उसमें तो एक ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम देते हैं। और अगर बात किया जाए स्टेट बोर्ड्स की, तो इसमें ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल अपीयर करते हैं, तो इन सबको मैनेज करके ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करना ये पॉसिबल है नहीं। अगर बोर्ड एग्जाम 2 महीने डिले भी हो फिर भी ये पॉसिबल नहीं होगा, अगर प्रेजेंट जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू करे तो। और अगर बात किया जाए ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन अगर एग्जाम होता है तो कौन सी प्रोसेस में होगा, प्रोसीड्योर क्या होगा। अगर ऐसा होता है कि जैसे कि यूजीसी नेट, नेट एग्जाम में क्या हुआ था कि कैंडिडेट को सेंटर में बुला के कंप्यूटर के सामने बैठा के फिर ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है, कंप्यूटर में वो एग्जाम दिया गया। लेकिन अगर इसी तरह से बोर्ड एग्जाम भी होते हैं तो स्टूडेंट्स को एक एग्जाम सेंटर में जाके फिर उसमें जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है। लेकिन इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा नहीं है, स्कूल में जो कंप्यूटर लैब्स है उसका क्या हाल है ये हम सभी जानते हैं, तो ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है ये हो नहीं सकता, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ऑनलाइन टेस्ट लेने का। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया ऑफलाइन भी नहीं होगा, तो इस तरह से अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है वो भी पॉसिबल नहीं है, तो होगा कैसे। मैं अगर देखा जाए इंडिया की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो अपना जो थर्ड और फोर्थ सेमिस्टर के लिए एक एग्जामिनेशन सिस्टम वो दिया, और उसी हिसाब से एग्जामिनेशन भी ले रहा है। इसको बोला गया ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है उसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और अपलोड भी करेंगे। और ओपन बुक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो दोनों मिला के होते हैं। जैसे कि एक सिस्टम हम बोलते हैं, अभी मुझे नहीं पता कि इस सिस्टम से बोर्ड एग्जाम होगा कि नहीं, लेकिन शायद इसी सिस्टम से बोर्ड एग्जाम होना है। वो क्या है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि लीडिंग यूनिवर्सिटीज मैंने डिस्कस किया, लीडिंग यूनिवर्सिटीज कलकत्ता या फिर डीयू, वो जिस तरह से एग्जाम ले रहा है अभी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की, कि जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट होगा या फिर काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट होगा, उसमें जो है क्वेश्चन पेपर जो उसको अपलोड किया जाएगा, और एक फिक्स्ड एक टाइम होगा, और उस टाइम के बाद स्टूडेंट जो है घर बैठे वही क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करके अपना आंसर लिखने के बाद, घर बैठे अपना आंसर पूरा जो है वो लिखने के बाद एक फिक्स टाइम दिया होगा, और उस टाइम के बाद लिखने के बाद वो जाके स्कूल में सबमिट करके आएगा होगा। तो ये जो सिस्टम है ये मेनली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिक्स्ड करके एक सिस्टम में एग्जामिनेशन होने की जो है वो चांस है। ये फुल्ली ऑफलाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बोर्ड अपीयर एग्जाम में अपीयर करते हैं, और उसके बाद ऑनलाइन भी नहीं होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे है नहीं। और अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस जो है फिर से रिड्यूस हो सकता है, और सब मिला के टोटल 50% सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा, ऑलरेडी हो चुका है 25 to 30% और भी होना है, तो टोटल 50% सिलेबस रिड्यूस होगा, एग्जाम होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से आप प्रिपरेशन ले रहे थे स्टूडेंट्स वो लेते रहे,
और देखते रहे हिस्ट्री ऑनलाइन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों में, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू हिस्ट्री ऑनलाइन फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर हिस्ट्री चैप्टर वाइज डिस्कशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।